सो गाइस, इस तरफ है इंडियन ओशियन और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, तो दोनों मिलन यहाँ होता है। लेकिन कभी सोचा नहीं था ये छोटा पार्टीना लेकर हम चले आएंगे ये धनुषकोटी। 10 किलोमीटर अंदर में पूरा पानी के नीचे डूब गया, पूरा पानी के नीचे रामचोदपुर पानी के अंदर है। अच्छा, अभी सिर्फ इतना विलेज ही बचा हुआ है। दोनों तरफ अभी समुंदर है, आप अगर मैप पे देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। लोग अभी आ चुके हैं ये ओल्ड रेल स्टेशन धनुषकोटी में, जब 1964 में ये पूरा ही तबाही हो चुका था। और ये है रेल की पट्टी, ये देखो। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ग्रीटिंग फ्रॉम रामेश्वरम। और हम लोग कल रात में रामेश्वरम पहुंच गए थे, तो आप लोग अगला वाला वीडियो देखिए। और ये था हमारा रूम, तो यहाँ का रूम 1500 में पड़ा है, 2 दिन का 3000 में। ठीक है, रूम ठीक ठाक है, उतना अच्छा नहीं है, मुझे उतना अच्छा नहीं मिला ये वाला रूम। और बहुत सारा रूम देखने के बाद इसको मिला था, तो मैंने सोचा ले लिया, क्योंकि हम लोग कल आए थे फ्राइडे था, आज सैटरडे कल संडे, तो ये तीनों दिन थोड़ा यहाँ भीड़ ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए रूम भी ज़्यादा बुक हो चुका है, इसलिए मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं लिया, जो मिला भाई वो ले लिया। एसी मिला है लेकिन ठीक ठाक ही है। और यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे रामेश्वरम को एक्सप्लोर करने, धनुषकोटी जाएंगे। तो जाने का टाइम जो जो आपको बताना मैं बताऊँगा, जो जो मुझे पता है पूरा जगह का ही एक्सप्लोर करके मैं दिखाऊँगा। तो चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और आप लोग को एक्सप्लोर करके पूरा दिखाते हैं, तो सीधा बाइक पर चलो। सो गाइस, हम लोग अभी यहाँ से पहले जाएंगे श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल। तो चलो हम लोग पहले यहाँ से निकल के श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल का घूम के आते हैं। तो गाइस, वेलकम टू रामेश्वरम। आप सभी को रामेश्वरम का बहुत बहुत स्वागत है, और आज हम लोग को घुमाएंगे पूरा ही रामेश्वरम को। बहुत ही बढ़िया भाई, रोड देखो बहुत सुंदर से, इधर भी बहुत ही सुंदर। ये है मंदिर, ये है श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल, गणेश जी शिव जी। ये पत्थर पानी में तेरा दुखा नहीं है दर्शन कर लिया, ये आज का पत्थर, ये पत्थर अभी भी मिलता धनुषकोटी से, ये दोनों सेम पत्थर, आज का पत्थर तेरता नहीं है कलियुग का पत्थर टूट जाती है। हनुमान जी सेतु बनाए के टाइम पे नल नील दोनों वानर सेना, ये दोनों को हाथ लगाना उसी जगह पत्थर पानी में तेरा, नल नील दोनों वानर सेना, ये दोनों को वरदान। ये मंदिर नहीं है, 700 साल पुराने वाली मट्टी है। कैमरा बंद है, मंदिर है डीजल एक चल रहा है, ओ चलता है ऐसे। ये मंदिर नहीं है, 700 साल पुरानी वाली मट्टी, तुलसी बाबा मट्टी है। इसलिए मैं आने वाले को टिकट कुछ भी नहीं है, बिना टिकट दर्शन नहीं है। और शनिवार दिन है शाम को अपने परिवार का नाम गोत्रम बोल के ये मट्ट गुरु जी अर्चने होने के बाद हनुमान जी का तेल सिंदूर चढ़ता है। ये तेल सिंदूर का बाहर पड़े हनुमान का नया मंदिर बनता है, नया मंदिर का एक पूरी दान करने वाले उनका परिवार का नाम गोत्रम बोल के दान पड़ती है। मैं सर, ये था श्री पंचमुखी हनुमान टेम्पल। तो इसे यहाँ से अंदर ही हम लोग घूमे थे, वीडियो कभी फोटो कभी अलाउ नहीं है, तो थोड़ा बहुत मैंने छुपा के किया हूँ, वो बड़ा देख लो। सो गाइस, हम लोग अभी यहाँ से सीधा जाएंगे लास्ट पॉइंट धनुषकोटी। आने का टाइम सब एक्सप्लोर करते करते आएंगे, क्योंकि पहले लास्ट जाते हैं उसके बाद आने का टाइम बढ़ते हैं। ये पहला वाला मंदिर था, हम लोग विजिट कर लिए, लेकिन इतना भीड़ सुबह सुबह ऐसे ही हो रहा है, तो आने का टाइम वो मंदिर विजिट करेंगे। अभी सीधा जाएंगे इंडिया का लास्ट पॉइंट धनुषकोटी। सो गाइस, धनुषकोटी यहाँ से सीधा दिखा रहा है, और रेलवे स्टेशन डाएं तरफ मतलब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन, ठीक है, नया वाला जो है वो इधर है।
सो गाइस ये देखो दाएं तरफ पूरा ही समुंदर और बाएं तरफ भी है, लेकिन थोड़ा ये मतलब जंगल जैसा है, आपको नहीं दिखेगा। और इधर भी देखो, ठीक है, दोनों तरफ अभी समुंदर है। आप अगर मैप पे देखोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, दोनों तरफ समुंदर और हम लोग बीच से ये रोड जा रहे हैं। ये है राम सेतु, यहाँ से शुरू होता है धनुषकोडी। तो गाइस यहाँ देखो बहुत सारे ऐसे ऐसे आपको स्टॉल मिलेगा, मतलब सूखा मच्छी का स्टॉल ज़्यादा है। ये जो मच्छी देख रहे हो सब सूखा है, ये भी ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब पानी का दुकान है। इधर चिप्स वगैरह सब मिलेगा, ठीक है। ये देखो मच्छी फ्राई भी मिलेगा यहाँ, मच्छी फ्राई। ओहो भाई साहब क्या ही नज़ारा, क्या है ब्यूटीफुल भाई, क्या ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत भाई साहब। कभी सोचा नहीं था ये छोटा पार्टीना लेकर हम चलाएंगे ये धनुषकोडी भाई, ये सपना तो पूरा हो चुका है। कभी कभी सोचता था कब जाएंगे, लेकिन आज देखो मैं इस भाई को लेकर, वो भी अकेले नहीं अपनी बीवी बच्चों को लेकर साथ में ये रामेश्वरम धनुषकोडी चले आए हम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो देखो वॉच टावर दूर पर। ओह भाई पानी का कलर देखो भाई साहब, क्या ही कलर। धनुषकोडी यहाँ से और दिखा रहे मुझे 6.9 किलोमीटर, तो चलो आगे जाते हैं, धनुषकोडी दिखाते हैं आपको। तारों की लहरों में मन चला है, मन रोशन से साए है, नब्जों की धड़कन सांसों की आहटे, ओस की चिलमन चाहे अलग हो दिल, एक है धड़कन। तो वेलकम टू धनुषकोडी, और ये है लास्ट इंडिया का लास्ट पॉइंट ऑफ धनुषकोडी। सो गाइस इस तरफ है इंडियन ओशियन और इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, तो दोनों मिलन यहाँ होता है, ठीक है। और वो जो द्वीप है वो भी मतलब कभी कभी दिखता था, और जब पानी कम होता है तब वहाँ से जा सकता है, नहीं तो वो एक आइस बन गया वो अलग। और यहाँ बहुत पानी है, पानी का कलर देखो भाई साहब, क्या ही कलर, बहुत ही सुंदर। अभी देखो कितना भीड़ हो चुका है धनुषकोडी में, बहुत भीड़ है। आज सिर्फ सैटरडे है इसलिए, नहीं तो खाली आता है, अगला कुछ दिन पहले मैंने खाली देखा था, लेकिन आज ज़्यादा ही भीड़ है। इस तरफ है बे ऑफ बंगाल और इस तरफ है इंडियन ओशियन, ठीक है। ये पूरा इंडियन ओशियन की तरफ है और ये पूरा ही बे ऑफ बंगाल की तरफ है, ठीक है। और बीच में हम खड़े हैं, तो यहाँ से अभी निकल के यहाँ का एक ब्रिज दिखाऊंगा जो कि 1964 में सुनामी में तबाही हो चुका था, तो चलो उसको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस ये धनुषकोडी से निकल के हम लोग आगे जा रहे हैं, और चलो 1964 में जो विलेज यहाँ पर सुनामी में
तबाही हो चुका था, तो वो सब दिखाएंगे आप लोग को। वहाँ में पुराना एक चर्च है, एक रेलवे स्टेशन है। चलो अभी अभी आपको नहीं बताऊँगा, जाके पूरा दिखाऊँगा। सो गाइस, ये सब जो आप टूटे हुए बिल्डिंग देख रहे हो, ये सब कुछ 1964 में तबाही हो गया। ये भी ठीक है, मतलब तब यहाँ पर एक विलेज था, और उस विलेज में जब ब्रिटिश राज करता था तब का ये बात है, 1962। तो तब ये पूरा ऐसा नहीं था, एक पूरा गांव था, यहाँ एक विलेज था, लेकिन सुनामी के वजह से बहुत सारे, मतलब बहुत सारे जान चला गया सुनामी की वजह से। ये गांव ख़त्म हो चुका था, उसके बाद से यहाँ पर कुछ विलेज नहीं है। विलेज जो है वो आगे है, ठीक है, वो आगे है। वहाँ पर कुछ 70 या 80 फैमिलीज रहते हैं, ठीक है, जहाँ की वो वॉच टावर देख रहे हो, वो लाइट हाउस, वहीं पर 70-80 फैमिलीज रहते हैं। फिर उनको भी यहाँ आना अलाउड है, मतलब क्या, वो शाम 5 बजे के बाद यहाँ टूरिस्ट अलाउड नहीं है। ये पूरा रोड पर शाम को 5 बजे के बाद टूरिस्ट कोई अलाउड नहीं है, और जो भी आता है वो लोकल, मतलब जिसका घर है, फैमिली है, वो आता है उधर, तो उनको परमिशन है, अलाउड है आने के, बाकी किसी का भी अलाउड नहीं है। तो ये थोड़ा बहुत जानकारी मुझे मिला था सुबह, तो इसलिए आप लोग को भी बता दिया। मैं गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ। अगर गलत हुआ तो आप लोग सही कौन सा चीज़ बता देना, अगर सही हुआ तो कमेंट कर ले बता देना, हाँ सही बोला है मैंने, ठीक है। तो चलो कुछ पुरानी चीज़ें आप लोग को दिखाऊंगा, जो कि ब्रिटिश का बना हुआ था, और 1964 के बाद अब वो कैसा है वो दिखाऊंगा, ठीक है। अभी वो पूरा ये बन चुका है, मतलब क्या, टूरिस्ट का भी बन चुका है, लेकिन वो यादें बन चुका है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, हम लोग धनुषकोटी आके, और ये यहाँ पर एक छोटा सा वहाँ पर रेस्टोरेंट पकड़ लो, जो स्टॉल वगैरह होता है वहाँ पर रुक गए खाना खाने के लिए। और यहाँ हम लोग ऑर्डर किए चावल और फिश को फ्राई करके देता है, और थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी कुछ देगा तो वही खा लेंगे। और ज़्यादा ज़्यादा पानी भी है, हम लोग पानी ख़त्म हो गया बोतल, ठीक है, 2 बोतल पानी ख़त्म। फिर ये खाना खाएंगे, खाना आने दो तो आप लोग को खाना दिखाता हूँ, ठीक है। तो गाइस एक मछली ख़त्म कर दिया, फिर और एक, ये थोड़ा अलग है, ठीक है, इसको कहते हैं भोला बेटी। इसके पहले खाया था हम लोग सुरमई, छोटा वाला सुरमई, इसके बाद आएगा क्रैब, ठीक है, क्रैब भी आएगा, बस इसके लिए क्रैब बोलना पड़ा ये। तो अच्छा है खाना, हम लोग खा रहे हैं, टेस्टी है, तो चलो खाना खाते हैं। और अभी आया ये क्रैब को भी फ्राई करके दिया है, ठीक है, चलो हम लोग तो खाना खत्म, कैसे भी इसको खाएगा। तो हम लोग यहाँ से घर के लिए कुछ सामान ले रहे हैं, दोस्तों के लिए, मतलब रिश्तेदार के लिए थोड़ा यहाँ से गिफ्ट, मतलब ऐसा कुछ ले रहे हैं सामान, ठीक है, फ्रिज मैग्नेट ऐसा कुछ, ये सब एक एक करके सबको देंगे, इसलिए खरीद रहा हूँ। ये खरीदने के बाद फिर एक्सप्लोर करेंगे। सो गाइस, यहाँ से बहुत कुछ खरीद लिया था, और बहुत कुछ यहाँ से ले लिया घर के लिए, और दीदी भी प्राइस बहुत ही कम लिया हम लोगों से, तो ठीक है। अभी इस तरह में देख रहे हैं आप लोग मुझे गला कर रहे हो, ठीक है, ऐसा बात दिखा रहा था, तो ये अच्छा है। चलो यहाँ से खरीद के आगे जाते हैं। वो मतलब पुराना वाला जो चार्च, 1964 में सुनामी के दौर में ये पूरा विलेज ही ख़त्म हो चुका था, ठीक है, चार छवि भी है, तो जो भी आता है ये भी एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है फोटो वगैरह में उठाने के लिए। ये पीछे का तरफ है, सामने की तरफ में सिनेमेटिक शॉट में दिखाऊंगा, तो तब तक चलो और भी आप लोगों को घुमाते हैं। और यहाँ का जो बीच है, अभी हम लोग जाएंगे बीच पे, और ये पूरा ही मार्केट एरिया है, ठीक है, बहुत सारे दुकान पर है, सस्ता दाम है, उतना ज़्यादा नहीं है, बार्गेनिंग वार्गेनिंग करके हम लोग बहुत कुछ खरीद लिए दुकान में, वो भी आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे। तो चलो सीधा सी बीच की तरफ जाते हैं। आपको थोड़ा इलेक्ट्रिक टस्ट लगा टावर लेते, अच्छा, ये धनुषकोटी में बड़ा सिटी है, धनुषकोटी खत्म हो गया ना, रामेश्वर में डेवलप है,
मतलब 4000 पूरा यहाँ का खत्म हो गया था पूरा उस टाइम। हाँ बड़ा सिटी। अच्छा ओल्ड धनुषकोटी या न्यू धनुषकोटी ऐसा कुछ बात है? ये रामेश्वरम में वो ये छोटा वाला ना, हाँ ये धनुषकोटी वो अंदर में 10 किलोमीटर अंदर में 24 विलेज पूरा पानी के नीचे डूब गया। पूरा पानी के नीचे? अच्छा ये बड़ा बड़ा पत्थर में पूरा पानी के अंदर है, मतलब आधा से ऊपर भी ज्यादा पानी के अंदर विलेज चला गया, बाकी जो है यही है रामसेतु पुल पानी के अंदर है। अच्छा अभी सिर्फ इतना विलेज ही बचा हुआ है। ये विलेज में कितना मतलब फैमिली रहता है? 40,000 आदमी मर गए ना। अभी अभी कितना रहता है? 300 अभी अभी यहाँ रहता है। अच्छा और इधर है ये वाला तो ओल्ड चार्जेस है, ये वाला ये पुराना ये अंदोनियर चर्च है। अच्छा और इधर रेलवे स्टेशन किधर है? वो रेलवे स्टेशन वो उधर से उधर है, वो उधर करना ये वाला ये हाफ किलोमीटर है। हाफ किलोमीटर रेलवे स्टेशन ओल्ड हार्बर है। ओके और वो पोस्ट ऑफिस? हां वो पोस्ट ऑफिस वो उधर से बैक साइड है। ये क्या है? ये पासपोर्ट ऑफिस। ये पासपोर्ट ऑफिस। अच्छा ये भी पूरा खत्म हो गया? हां पूरा खत्म हो गया। ये है पासपोर्ट ऑफिस। ये कौन सा है सर? कौन सा है? कोलकाता। कोलकाता ये बाइक है? बाइक से। हाँ फैमिली बजाज प्लैटिना। थैंक यू सो मच। तो गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं ये ओल्ड रेल स्टेशन धनुषकोटी में। जब 1964 में ये पूरा ही तबाही हो चुका था। और ये है रेल की पट्टी, ये देखो ठीक है, ये पूरा ही रेल की पट्टी है ये इधर से इधर ठीक है। और ये है स्टेशन था पहले का, ये है स्टेशन रूम यही है। ये ओल्ड स्टेशन पे आ चुके हैं लेकिन ये एक मंदिर है, ये पहले दर्शन करना पड़ता है फिर उधर जाना है। ये श्री राजा काली अम्मन। चलो करेंगे एक बार पत्थर ये को पत्थर काशी का ब्राह्मण आपका स्वागत। देखो ये कोई पत्थर है ठीक है। जय श्री राम और पानी में दबा देंगे इस पत्थर। जय श्री राम जय श्री राम। हरिया राम जी के भगवान राम ने यही बैठ के पूजन किया था, वो फोटो में देखेंगे सामने इसी जगह पे भगवान राम ने पूजन किया। इस शिवलिंग की स्थापना हुई यही, आपका सब कुछ कार्य सफल होता है। काशी की यात्रा धनुषकोटी में आपकी पूरी होती है। अब आप कहीं जाएंगे आप जो मांगेंगे पाएंगे, और आपके सीता के हाथ में जो शिवलिंग देख रहे हैं इस स्थान में आप आइए उसके दर्शन कराता हूँ प्रत्यक्ष। वो साथ में धर्म पत्नी है आप, हाँ तो पास बुलाओ। इसी के लिए मोदी ने रोड बनवा दिया है, ये बहुत बड़ा मंदिर बनने को है। आगे बढ़ के आएंगे बोल शंकर भगवान जय। आगे बढ़िए बच्चे के साथ, आगे आओ बेटा बोलो हे राम भगवान, आपने शिवलिंग स्थापना करके हम लोगों का बड़ा आभार व्यक्त किया। तो भोलेनाथ जैसे राम सीता का मिलन कराया, आप हमारा जन्म जन्म का साथ रहे। और मेरी बेटी बेटा नहीं है? नहीं बेटी। बेटा? बेटा नहीं है। बेटी बेटा नहीं है, नहीं। एक ही लड़की है। तो बेटा अगर आशीर्वाद भैया आपका दे दे तो खोली खुल के बात करते हैं। सतीश सागर नाम है मेरा, ठीक रहेगा? अच्छा रहेगा। भोलेनाथ आप ही सूर्य हो, आप ही सब कुछ हो, पुत्र के रूप में जाओ, ये आपके भक्त का नाम नहीं बोलेंगे। सतीश सागर अग्निहोत्री भक्त प्रहलाद का गांव। साल और डेट देख लेना, आज 2 जून है ना, यहाँ दो जून है, सेकंड जून है, वैसे फर्स्ट है, यहाँ 30 का महीना है। अच्छा तो आपको जानू के साल भर के अंदर पुत्र okay. उसको यहाँ दर्शन कराना आपके काम बनाएगा ठीक। भंडारा में दान लगावाऊंगा, इच्छा से कुछ दान लगाइए। और हाँ
कोठांडा रामार टेम्पल। तो हम लोग यहाँ से कोठांडा रामार टेम्पल राइट तरफ लेंगे, राइट ये डाएं, ठीक है। चलो यहाँ से घूम जाते, ये सीधा राइट। हम लोग आ चुके हैं ये टेम्पल के सामने, और यहाँ का रोड देखो भाई, दोनों तरफ पानी और ये सुंदर सा, बहुत ही बढ़िया। मैंने थोड़ा इंस्टा पे शूट कर रहा हूँ, और ये वीडियो भी आप लोग देख लेना, अच्छा लगेगा। तो गाइस ये था विभीषण का मंदिर, ठीक है, विभीषण टेम्पल। तो यहाँ इतना भीड़ है, अंदर अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को और भी जगह जाना है, बहुत भीड़ है अंदर। फोटोग्राफी वीडियो भी अलाउ भी नहीं है, अगर शायद मेरा बीबी जाएगा तो घूम के आएगा, मैं तो नहीं जा रहा हूँ। तो चलो मैं थोड़ा यहाँ का कुछ वीडियोग्राफी लेता हूँ। तो गाइस हम लोग यहाँ से लेंगे राइट, और लेफ्ट चलने से फिर चले जाओगे धनुषकोटी, ये राइट लेके हम लोग सीधा जाएंगे। चलो ये विभीषण मंदिर ये यहाँ पर है, यहाँ से घूम लिया, अब सीधे जाएंगे। और शाम भी हो चुका है, थोड़ी देर पर अंधेरा भी आ जाएगा। अभी टाइम हो रहा है कितना, अभी टाइम हो रहा है तो शाम को 4:40, ठीक है। तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से APJ अब्दुल कलाम हाउस, इधर। हाउस ऑफ कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो गाइस ये हाउस ऑफ कलाम हमने घूम लिया, तो यहाँ से अभी निकल जा रहे हैं। अंदर वीडियो का भी फोटो का भी कुछ अलाउ नहीं है, बाहर से एक फ़ोटो ले लिया, बस हो गया। यहाँ से निकल के फिर जाएंगे अभी रामेश्वरम मंदिर। ये है रामेश्वरम टेम्पल, चलो जाके अच्छे तरह से दर्शन करते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ से मंदिर को एक्सप्लोर कर लिए। अंदर फोटोग्राफी वीडियो भी कुछ भी अलाउ नहीं था, फिर भी छुपा के मैं एक वीडियो ले रहा था, मतलब अगर वीडियो आएगा तो आप लोग सब समझ भी पता चल जाएगा। मोबाइल वो लोग अभी जब्त कर रहा था, ठीक है, मेरा वाइफ का मोबाइल था, वो वाइफ वीडियो कर रहा था तो उसका मोबाइल ले लिया था अभी, तो सॉरी फॉरी बोल के बोल लिया, डिलीट कर दूंगा, डिलीट करके फ़ोन को ले लिया, ठीक है। उसके बाद अंदर वाला और वीडियो नहीं करा, क्योंकि एक बार वार्निंग दिया था, सेकेंड टाइम पकड़ा जाएंगे तो मोबाइल नहीं देंगे, ठीक है, तो इसलिए और वीडियो कभी नहीं बनाया। तो अंदर वाला जो सीन था बहुत ही बढ़िया था, हम लोग पूरा आरती देखा, आरती में क्या हो रहा था, पूरा आरती हो रहा था अंदर, और शिव जी को नहलाया जा रहा था दूध से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, बहुत भीड़ था भाई, बहुत भीड़ था मतलब, और अंदर में साउथ का जो मतलब वो
म्यूज़िक बजाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ढोल और उसको क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट बज रहा था, ठीक है, मतलब मुंह से बजा रहा था, बस भी अच्छा था। तो सब देखने के बाद, मतलब मूवी में ये सब इंस्ट्रूमेंट देखने को आता है, बजाने को देखने में आता है, लेकिन आज अपनी आँखों से देखा है बजा रहा था। तो हम लोग यहाँ से फिर जाएंगे रूम और आज का यहाँ एक्सप्लोर ख़त्म। सो गाइस, हम लोग रूम पे बहुत पहले आ चुके थे, अभी नीचे गए थे, पास में एक दुकान मतलब रेस्टोरेंट था, वहाँ पर जाके हम लोग डिनर भी कर चुके और डिनर में किया हम लोग लच्छा पराठा और चिकन कढ़ाई। तो अच्छा वाला डिनर कर लिया क्योंकि सुबह सुबह हम लोग को निकलना है, जल्दी सोना है, अभी टाइम हो रहा है रात के 9 बजे, तो हम लोग सो जाएंगे क्योंकि पूरा पैकअप हो चुका है लगेज वगैरह, सिर्फ सोएंगे, सुबह जल्दी 4 बजे उठना है, 5 बजे के अंदर हम लोग को 5:30 बजे यहाँ से निकलना है, हम लोग थोड़ा जाएंगे कन्याकुमारी, ठीक है, कल सुबह सुबह निकल के। तो आज का जो खर्चा है ट्रिप के, तो आज पूरा दिन में जो खर्चा है वो है दोपहर का लंच है 610 रुपया, और शाम को आके थोड़ा कल के लिए पानी और थोड़ा खाना वगैरह पैकेट कर लिया, मतलब जो चिप्स बिस्किट केक मिलता है वो सब मिला के 240 का, और अभी अभी हम लोग डिनर जो किया है उसका भी 240। तो टोटल था आज का ये खर्चा, और होटल का खर्चा तो मैंने कल बता ही दिया था, और अगर आज के हिसाब से रखो तो 1500 इसको ऐड करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यही तक था, और आज का खर्चा भी आप लोग को बता दिया। सो गाइस, आज का वीडियो यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।